अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे भुनी हुई सेवइयां, जो कि बड़ी ही झटपट बन जाती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून देसी घी। मैंने इसके अंदर जो है वो फ्रेश घर का बना हुआ यूज़ किया है। अगर आप इसके अंदर घी ऐड नहीं करना चाहते तो इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन सेवइयों का टेस्ट हमेशा घी से ही आता है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसके अंदर देसी घी ही यूज़ करें। इसके बाद इसके अंदर 2 से 3 इलायचियाँ आप डाल दें और उसको कड़कड़ा लें अच्छी तरह से। जब घी गर्म हो जाए तब तक आपने इसको मिक्स करना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 पैकेट सेवइयों का, जिसको मैंने हाथों की मदद से तोड़ लिया था। अगर इलायचियाँ इस तरह डालना पसंद नहीं है तो आप इलायचियों का पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इस स्टेज के ऊपर ऐड नहीं करना। जब आप सेवइयाँ ऐड करेंगे उस टाइम आप इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इन सेवइयों को हमने इतना भूनना है कि इनका कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा जो है वो डार्क शेड के अंदर ये आ जाए। अच्छी तरह से आपने भूनना है ताकि सारा घी जो है वो सेवइयों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको भूनना है और लो फ्लेम जो है आपने इसकी रखनी है, या थोड़ी सी आप मीडियम पे भी इसको कर सकते हैं, हाई फ्लेम के ऊपर नहीं करना। यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से सेवइयाँ भून ली थी। अब इसके अंदर 1/4 कप जो है मैं पानी ऐड करूँगी। हमेशा अपने पास जो है वो मेयरिंग स्पून्स रखा करें ताकि आपको मेयर करना आसान हो, इससे आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। थोड़ी देर बाद जब पानी ड्राई हो गया था तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भरकर चीनी का। अगर मीठा कम पसंद है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मैं 15 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ दूंगी। इतनी देर में जो है वो सेवइयाँ हमारी रेडी हो जाएंगी और सारी चीनी जो है वो मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1/4 कप मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको बाद इसको आपने 15 मिनट के लिए ढक देना है। जैसे ही चीनी और पानी खुश्क होगा आपकी जो सेवइयाँ हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगी। इस स्टेज के ऊपर मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो बादाम और पिस्ते भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको खोपा पसंद है तो आप इसके अंदर खोपरा भी ऐड कर सकते हैं। कोकोनट जो होता है उसको भी आप उसकी भी पतली पतली सी काशें काट कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसके अंदर मेवा भी ऐड कर सकते हैं। तो जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी सेवइयाँ जो हैं वो बनकर रेडी होंगी। तो अब मैं यहाँ पर इसको ढक दूँगी, 15 मिनट बाद जो है हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपके पास जो है वो ऑप्शन और हैं तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो हमारी सेवइयाँ रेडी हो गई थी। 15 मिनट गुजर चुके थे और पानी सारा ड्राई हो गया था, बादाम और पिस्ते थोड़े से मैंने बचा लिए थे और इसको मैंने डिश आउट करके इसका गार्निश कर लिया था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत अच्छी लगती है। दावतों में भी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।